أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية فهل أينعت يدنا مرة وأهدت له لمسة गरीबों की झोपड़ियों को भी देखो बड़े बड़े कारों में घूमने वालों उन पैदल चलते लोगों के दुखों को भी समझो अपने घरों में घी के चराग जलाने वालों उन लोगों को भी देखो जो नाने शबीना को तरसते हैं रात को जिनके घर में चूल्हा रोशन नहीं होता। 7-8 साल कबल मैं एक दिन बाजार गया, छोटी ईद का दिन था, मेरे साथ मेरा भाई भी था, तो मैंने कहा कि घर जा रहे हैं चलो कोई चीज ले जाएं, आज ईद का दिन है, तो मछली बाजार में चले गए। तो मैंने वहां एक अजीब मंजर देखा जो आज तक मुझे भूल नहीं सका। हमने उसे कहा कि हमें मछली दे दे, तो वो मछली को साफ करके जब उसको काटने लगा तो उसका सर एक बाल्टी में डाल दिया और उसके पीछे दुम उसने थोड़ी सी ज्यादा काटी और थोड़ा सा गोश्त भी उसके साथ चला गया, वो भी बाल्टी में डाल दिया। इस तरह जो भी वो मछली तैयार करता तो सर और दुम बाल्टी में डालता चला जाता, बाकी उसका जो भी उससे गलाजत और जो कुछ भी उससे जो है वो झड़ता वो नीचे फेंकता चला जाता। तजस्सुस था कि ये बाल्टी में क्यों डाल रहा है। खैर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक नौजवान आया पीछे से, उसने उसको 10 रुपए दिए और उसने उस बाल्टी में हाथ डाला और चंद मछली के सर और चंद उसकी दुम्बे निकाल करके एक शापर में डाल के उसको दे दी। हैरान सा हो गया कि इसने ये क्या कर दिया। ख्याल था कि शायद ये कोई नौजवान सा है, शायद कोई कबूतरों शबूतरों को डालता होगा, कोई कोई ऐसा मामला होगा इसका, कोई कबूतर की गजा बनाता होगा। लेकिन इसके बावजूद जो है वो तजस्सुस बढ़ता गया, मुझसे ना रहा गया, मैं उसके पीछे चला गया। मैंने कहा कि नौजवान इसको क्या करेगा। उसकी नजरें थोड़ी सी झुकी और मुझे कहने लगा इसका शोरबा बनाऊंगा और मछली का मजा मिल जाता है इससे। साहबों मैं ईद के दिन की बात सुना रहा हूं और इस मुल्क की बात सुना रहा हूं। जब इस मुल्क के अंदर लोग ऐसी जिंदगी ईद के दिन भी गुजारेंगे तो फिर वो तो हुक्मरानों के गिरेबान नोचने को आएंगे, वो तो अमीरों के घर देके खुश नहीं होंगे, वो तो कहेंगे इन मोहल्लात को आग लग जाए जो हम गरीबों के लिए नाने शबीना भी मुयस्सर नहीं है। ये मैं बात जो है वो अपने मुआशरे का दुख आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाह कयामत के दिन उतनी देर तक किसी शख्स को अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक ये पूछ नहीं लेगा कि वफी मा अनफका, ये माल तूने कहां खर्च किया है। आज तो इफ्तार पार्टी भी हम करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उसमें भी 2 अदद वजीर आ जाए और हमारी शोहरत हो जाए। गरीबों को तो कोई वहां भी नहीं पूछता है। वलीमा होता है तो उस वक्त भी हम फहरिस्त बनाते हैं तो कहते हैं उन लोगों को बिलाएं कि जिनके वजह से हमारे घर की जीनत बने, और कहें फलाफला लोग आए हुए हैं, कभी गरीबों को भी ख्याल।